5 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित वेदना प्रदर्शन को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की राज्य स्तरीय बैठक ब्रजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट की ओर से जहानाबाद जिलाध्यक्ष रजनधारी शर्मा और मीडिया प्रभारी मोहम्मद तनवीर प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। बैठक के दौरान 5 सितंबर को पटना में प्रस्तावित शिक्षकों के राज्यव्यापी प्रदर्शन में पूरे राज्य से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर भागीदारी का निर्णय लिया गया। शिक्षक नेताओं ने बताया कि शिक्षकों की राज्यव्यापी चट्टानी एकता इस प्रदर्शन में जोरदार ढंग से सामने आएगी। सभी शिक्षक पटना गांधी मैदान में मुंह पर काली पट्टी बांधकर वेदना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक को सम्मानित करने जाए तो नाम ही जारी कर दिए, स्कूल का नाम जारी कर दिया। हमारा फर्ज है, वो किसी न किसी जिले से आते हैं, वो टीचर है, हमारे अंग है, पार्ट एंड पार्सल है। हमारा ये होना चाहिए जी कि वहाँ हम उस जिले में, अगर हमारे जिले से माने जहानाबाद से कोई आदमी जा रहे हैं, हम उनसे पहले संपर्क करें। आप उनका विरोध करिए, उनका बहिष्कार करिए और हम उनको खुद उनको सम्मानित करें। हम 5 सितंबर को अपने मंच पर ये एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज है ताकि सरकार पर तमाचा रहेगा। बैठक में शिक्षक नेताओं ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को और भी बड़े प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। नीतीश सरकार की मनमानी का सभी मिलकर सामना करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि समान काम के बदले सरकार को समान वेतन मान तय करना चाहिए। शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। उनका कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना चाहिए। बता दें कि नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन, सेवा शर्त, नियोजन इकाइयों के बाहर स्थानांतरण की सुविधा, वेतन संरक्षण का लाभ, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, ग्रेड पे में 2.57 गुना बढ़ोतरी, पहले की तरह मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देने, सभी कोटि के शिक्षकों को ग्रुप बीमा और सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने, साथ ही शहरी क्षेत्र में कार्यरत सभी स्तर के शिक्षकों को परिवहन भत्ता देने की मांग सहित कई अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। बैठक में कहा गया कि एक तरफ सरकार शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने का ढोंग करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को उनके अधिकार से वंचित कर उनका दोहन करने का काम कर रही है। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को शिक्षक दिवस से पूर्व समान वेतन और समान सेवा शर्त लागू किए जाने की घोषणा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में सरकार की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार को अगर समुचित शिक्षा की चिंता है तो शिक्षकों से टकराव का रास्ता छोड़कर उन्हें सम्मान देने का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, आज की बैठक साफ है कि जिन मुद्दों पर आज जो बैठक बुलाई गई है उसकी तस्वीर भी साफ है। सुबह बिहार के 4 लाख शिक्षक ये बखूबी जानते हैं और उनको भी मालूम है कि आज की जो बैठक हो रही है एक महती बैठक है, जिसमें पूरे समुदाय के जो शिक्षक आज बिहार की सरकार के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ अपना रही है, उनके खिलाफ में आक्रोश है। उस आक्रोश को दिखलाने के लिए एक जो वेदना प्रकट उनके अंदर है वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर रखने का काम करेंगे। और यह साफ है, तस्वीर साफ है कि बिहार की सरकार शिक्षकों के हक में फैसला लेना नहीं चाहती है, इसलिए शिक्षकों में आक्रोश है और उस आक्रोश को वे वेदना के साथ प्रकट करेंगे, मुंह पर काली पट्टी बांध करके। और हम लोग आग्रह करेंगे बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के माध्यम से कि सुबह बिहार के जो भी शिक्षक लाखों की संख्या में गांधी मैदान आएंगे, वे एक तस्वीर के साथ आएंगे कि एक अनुशासित सिपाही के रूप में, एक ऐसे शिक्षक के रूप में कि उनकी मर्यादा बची रहे और बिहार में एक संदेश साफ सुथरी जाए कि बिहार की सरकार वास्तव में जो शिक्षकों के साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहती है, बिहार के साथ शिक्षक आक्रोशपूर्ण है, आक्रोशित है। और एक संदेश हम स्पष्ट देना चाहते हैं कि समान अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे हम हर हाल में लेकर आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है बिहार संघर्ष समन्वय समिति जो बनी है, जिसमें सभी दलों के लोग हैं, वे सारे दल के प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भुवनेश्वर सदन है, एग्जीबिशन रोड में, पटना में। यहाँ पर ये 5 सितंबर को होने वाली तैयारियों के विषय में चर्चा की जा रही है, किस तरह की व्यवस्था शिक्षकों के लिए की जाए ताकि उनको असुविधाएँ नहीं हों। प्लस इन चीज़ों पर भी चर्चा की जा रही है कि 5 सितंबर वो ऐतिहासिक दिन हो जिस दिन समूचे बिहार से
कोने कोने से शिक्षक इस गांधी मैदान में जुटे और सारे लोग मिलकर के अपनी वेदना का प्रदर्शन करें। उन्हीं की तैयारियों पर आज मूल रूप से यहां पर चर्चा हो रही है। किन मांगों को लेकर क्या है मुख्य मांगे जो गांधी मैदान में जुटे हैं शिक्षक, क्या है? शिक्षकों की मूल मांगे हैं कि हमको भी पुराने शिक्षकों की तरह हमें भी वही सेवा सर, वही सुविधा और वही वेतन सब कुछ दिया जाए। यानी ये नियोजन रूपी जो कलंक है उसको मिटाने का ये प्रण है। साथ साथ ये जो बाजारीकरण हो रहा है शिक्षा का और ख़ास करके शिक्षकों के साथ जो द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए, यानी अपने शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई के लिए लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और वही गांधी मैदान में जुटने का मूल कारण है। शिक्षकों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि चाहे बिहार के किसी भी कोने में कोई भी शिक्षक हो, उनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं और ये संपूर्ण अपील करना चाहते हैं अपने दिल के गहराइयों से कि वे चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो, आप निश्चित रूप से, ये हमारे मान सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है, उसके लिए आप सब बहानेबाजी छोड़ करके अपने सम्मान की रक्षा के लिए गांधी मैदान में एक बार एक एक शिक्षक जुटे ताकि उसे राज्य सरकार को और सारे उस दिन 5 सितंबर के सम्मान के दिन जो हम शिक्षक को अपमानित किया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार तक मैसेज पहुँचे और वो हमारी मांगों को मानने के लिए बाध्य हों। उनको सोचना पड़े कि हम एक तरफ सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज शिक्षक वेदना लिए हुए 5-5 लाख 4-4 लाख शिक्षक जो है मैदान में डटे हुए हैं। ये हम अपनी मांग उन तक अपनी वेदना पहुंचाना चाहते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य।